अभी इस वक्त हम लोग जो है एयरपोर्ट में खड़े हैं। ये वीर सहवागर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो कि पोर्ट ब्लेयर में है। तो यहाँ आज कांग्रेस के जो है नए जो अध्यक्ष बने हैं आपका डिस्ट्रिक्ट के अध्यक्ष वीके अब्दुल अजीज़, वो आज आ रहे हैं, इसी एयरपोर्ट से आ रहे हैं। आज उनका दिल्ली से आज जो है अंडमान के लिए आ रहे हैं, तो उनका कार्यकर्ता सब यहाँ पर आए हुए हैं उनको वेलकम करने के लिए। तो आइए देखते हैं, जब वो आएँगे तो हम लोग उनसे बात भी करेंगे और जानेंगे कि वो अभी नए नए बने हैं, बनने के बाद में दिल्ली गए थे, दिल्ली से भी जस्ट आ रहे हैं आज। तो उनसे बात करेंगे कि वे कितने खुश हैं और आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी को कैसे मजबूत करेंगे। चलिए अब्दुल जी से बात करते हैं। ये जो नया उनको पद दिया गया कांग्रेस पार्टी के द्वारा, तो इससे इस पर क्या कहना चाह रहे हैं? तो अब्दुल जी ये बताइए, आपको नया पद दिया गया डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट का, उस पर आप खुश हैं? जी बहुत खुश है, और मैं सबसे ज़्यादा खुश मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ, हमारे सोनिया मैडम को और राहुल गांधी को और केसी वेणुगोपाल जी को, और ख़ास करके हमारे यहाँ के जो रंगलाल जी हमारे ANDC के प्रेसिडेंट है, और हमारे भास्कर जी जो कैंपेन कमेटी चेयरमैन, जो हमारे ऊपर भरोसा कर करके सबसे डिस्कस करने के बाद में हमको इतना बड़ा पद दिया। और मैं समझता हूँ कि आने वाला टाइम में मैं इस पर बड़ा बहुत अच्छा काम करके दिखाऊँगा। और मैं और एक बात बताना चाहता हूँ, जो हमारे एरिया का जो दो डिस्ट्रिक्ट किया हुआ है, जो साउथ अंडमान और नॉर्थ अंडमान को अलग किया, उसके लिए हमको लगता है कि आने वाला जो हमारा इलेक्शन है, जो अपकमिंग इलेक्शन जो हमारे सिर के ऊपर खड़ा है, वो बहुत अच्छा रिजल्ट हमारे सामने दिखाएगा। देखिए, आपको बहुत बड़ा पद दिया गया कांग्रेस पार्टी के द्वारा, क्योंकि यहाँ के आप डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं साउथ अंडमान के, तो आपके बारे में आपके ऊपर में काफ़ी सारी जिम्मेदारियाँ होगी, तो उसको कैसे निभाएंगे? मैं हर एक को ले करके मैं साथ में चलूँगा। आने वाला जो पंचायत इलेक्शन, म्यूनसिपल इलेक्शन जो भी है हमारे, तो और हमारे प्रेसिडेंट साहब जो जिम्मेदारी मुझे देंगे, मैं उस पर बहुत अच्छा से मैं अपना काम करके दिखाऊंगा। और मैं 100% 80% हम लोगों का, कांग्रेस पार्टी का आने वाला टाइम में इलेक्शन में जो है रिजल्ट आपका सामने आएगा। जैसे कि अभी रंगलाल जी प्रेसिडेंट बने और कैंपेन कमेटी के चेयरमैन बने DSG भास्कर जी, उसकी वजह से ये बदलाव दिखाई दे रहा है? जी बहुत बदलाव दिखाई दे रहा है। अभी जो हाल ही में आपने देखा होगा, जो हमारा पदयात्रा था, मैं वो शामिल नहीं हो पाया, हमें को तबीयत ख़राब हो गया था, तो लेकिन मैंने जब देखा बहुत अच्छा तरीका से जो है पदयात्रा, 2.5 से 3 हज़ार लोग, वो बारिश होने के बावजूद भी इतना भीड़ जो उभरा, तो जनता जो है BJP पार्टी से जो है आज बहुत नाराज़ है। आज आने वाला टाइम जो है हमारे हिसाब से, जो आपको दिख रहा है, जो मोदी का जो स्कीम जो आपको दिख रहा है, एक भी स्कीम कोई गरीब लोगों को कोई काम नहीं आया। तो आने वाला टाइम जो है, आज हम आपको बता रहे हैं, अंडमान निकोबार में पूरा सोफड़ा साफ करेगा कांग्रेस पार्टी, अपना झंडा दोबारा लहराएगा। जैसे कि आप अभी साउथ अंडमान के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बन गए हैं कांग्रेस पार्टी के, तो कांग्रेस के जितने भी कार्यकर्ता है साउथ अंडमान के, उनको क्या मैसेज देना चाहूँगा? मैं यही मैसेज देना चाहूँगा, जो आप लोग घर पर बैठे हैं, जो पहले का टाइम जो था, वो सब भूल भाल की आप कांग्रेस ऑफिस आइए। आप लोग का जो आने वाला जो अच्छा एक हमारा तरफ से जो रिज़ल्ट है, बहुत अच्छा रिज़ल्ट आप लोगों को मिलेगा, और हम एकदम ग्राउंड लेवल में जा कर के ही हम अपना डिसीजन लेगा। और ANDC प्रेसिडेंट और कैंपेन कमेटी चेयरमैन को दोबारा मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, इतना बड़ा पद के लिए हमारा रिकमेंडेशन उन लोगों ने किया, और मैं उन लोगों का विश्वास मैं पूरा करूँगा। धन्यवाद। ये थे अब्दुल जी, इनसे हम लोग बात किए। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आज तक YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।